हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस तरीका का लाइन अगर आप इरेक्शन करते हैं और ये लाइन नहीं मिल रहा है तो इसको हम कैसे मिलाएंगे। देख सकते हैं, यह लाइन इस तरीका से सीधा इरेक्शन किया जा रहा है और ये 110 mm आउट है। देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से आ रहा है और ये लाइन इस तरीके से सामने है और ये बीच का ये डमी पीस है और यहाँ पर ये 110 mm यानी कि 110 mm आउट है ये लाइन। तो इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे? अगर कंपनी कह रहा है कि इधर बीच में कहीं पर कट मार करके, माइटर कटिंग करके आप इसको मिलाइए, तो हम कहां पर कटिंग करेंगे और इसका डिग्री कैसे निकालेंगे, इसका कटबैक कैसे निकालेंगे, देखेंगे कौन से लाइन को हमें कटिंग करना पड़ेगा। ये वाला लाइन को, आगे वाला लाइन को कटिंग करना है या फिर ये पीछे वाला लाइन को कटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको देख लेना है थोड़ा दूर से लाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ दूर से एक फ़ोटो खींचा गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये जो सामने वाला जो लाइन है बिल्कुल सीधा है और ये जो लाइन है थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। तो ये जैसे जैसे ये दीवार जा रहा है वैसे वैसे ये लाइन जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर टेढ़ा हो गया है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है यही चीज़ कि कौन से लाइन में हमें कटिंग करना पड़ेगा, यानी कि ये लाइन में हमें कटिंग करना पड़ेगा। और इसमें हम देखेंगे कि ये फ्लैंज से ये फ्लैंज जो आउट है कितना mm आउट है वो चेक करेंगे। और आपको ये देखना है कि आप कितने दूरी पर इसमें माइटर कट लगाना चाहते हैं, जैसे कि 1 मीटर पर लगाना चाहते हैं या 2 मीटर पर लगाना चाहते हैं या 3 मीटर पर लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक डायमेंशन ले लेना है। तो मिनिमम आप ये वाला जो पेडेस्टल यहाँ पे जो खड़ा है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर कट लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक डायमेंशन दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड ये मैं एक डिजाइन बना दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 3 मीटर पर यहाँ पर एक कट लगाना है। और आउट कितना है, जैसे ये लाइन आ रहा है और ये लाइन जा रहा है, तो इसके फ्लैंज से ये फ्लैंज जो है 110 mm आउट है। ये फ्लैंज के आउटर से 3 मीटर की दूरी पर हमें कट लगाना है। तो इस तरीका से हम कट लगाएंगे 3 मीटर के दूरी पर और हमें चेक कर लेना है कि ये लाइन कितना mm आउट है। फ्लैंज के आउटर से आउटर भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैंज के साइड से लाइन डोरी खींचा गया है और यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो 105 mm ये आउट है। मैं 110 mm लिख दिया हूँ, खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यह लाइन डोरी लगाया गया है और इसे चेक किया जा रहा है। तो वैसे ही आपको चेक कर लेना है। ये लाइन डोरी जो है थोड़ा और पीछे से लगाना होगा, आपको देख लेना है कि ये पाइप से फ्लैंज ये बाहर कितना mm निकला हुआ है, उतना बाहर यहाँ पर लाइन डोरी पकड़ना है ताकि लाइन डोरी ये बिल्कुल सीधा आए। और इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि ये कितना mm आउट है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये लाइन है। और दूसरा एक और लाइन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं काफ़ी दूर से ये सब फोटो जो है खींचा गया है। देख सकते हैं ये सब फुटेज जो है खींचा गया है काफ़ी दूर से कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर टेढ़ा आ जा रहा है। तो इतना थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो आगे पीछे करके मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं जाकर ये लाइन इस तरफ से मुड़ रहा है, इस तरफ मुड़ रहा है। तो वहाँ लास्ट में जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन से लाइन में कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी तरफ से ये फोटो लिया गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये भी एक और जॉइंट है जहाँ पर ये लाइन आउट हो रहा है। ये वाला जो लाइन है बिल्कुल सीधा है और उसके सामने वाला जो लाइन है थोड़ा सा डिग्री में हो गया है। तो अब हमें देखना है कि इस फ्लैंज के सेंटर से ये फ्लैंज कितना आउट है और हमें कितने दूरी पर कट लगाना है और कितना डिग्री में ये कट आएगा और कितना कटबैक आएगा, वो सब हम कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें कंपनी अगर कह रहा है कि आपको 2 कट में घुमाना है या 3 कट में घुमाना है, तो वो कैसे घुमाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि 2 कट में अगर यहाँ पर माइटर मारना है और उसके बाद इसको मिलाना है तो वो कैसे मारेंगे। इसके पहले वाले जो मैं आपको ये बताया कि ये 1 कट में यहाँ पर घुमाया गया है, अगर इसको 2 कट में इस तरीके से घुमाना हो, देख सकते हैं यहाँ पर 2 कट मारा गया है, तो इसको 2 कट में भी आप मार्किंग करके घुमा सकते हैं इस लाइन को, तो वो भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जो फुटेज जो है दूसरे तरफ से लिया गया है, ये जो लाइन जो डिग्री में जा रहा है तो उसको हम कितनी दूरी पर हम कट लगाएंगे, कितने दूरी पर कट लगा के इसको घुमाएंगे और कितना इसका डिग्री रहेगा, ये सब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इस लाइन का जान लेते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करेंगे जो ये 1 कट में है। तो एक चीज़ तो आपको पता हो गया कि ये लाइन के सेंटर जो है 110 mm है, मान लीजिए कि ये आउट है और हमें 3 मीटर के दूरी पर कट लगाना है। इसको 3 मीटर की दूरी पर आप कट लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा दूरी पर जाएंगे उतना ही कम डिग्री आएगा और जितना नज़दीक पर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो दूरी जितना लेंगे अच्छा रहेगा, 2-3 मीटर पर आप कट लगाएंगे तो कम डिग्री में आपका माइटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लैंज से यहाँ पर कट का जो दूरी दिया गया है 3 मीटर लिया गया है और ये जो पाइप जो है 8 इंच का पाइप है और इसका ओडी जो है 219 mm है। और यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, और ये जो है
टॉप व्यू दिखाया जा रहा है आपको, यानी कि आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, इस पाइप को टॉप से देख रहे हैं। और ये जो फ्लैंज है इसका सामने का, ये फ्लैंज हो गया, साइड भी हो गया। फ्लैंज को देख लेना है, यहाँ पर फिटअप करते समय प्लंप में होना चाहिए, दो होल या चार होल इस तरीके से प्लंप में रखना है फिटअप करते समय। तो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री कितना रहा है और कटबैक, यहाँ पर जो 3.8 और 3.8 जो आया हुआ है ये कैसे आया है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 110 mm ये आउट है और 3 मीटर के दूरी पर इसको हम माइटर कट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टेन इनवर्स, ये देख रहे हैं, इस तरीके से चेंज कर लेंगे टेन इनवर्स यहाँ पर टाइप करेंगे। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ये लाइन, देखेंगे कितना mm आउट है, जैसे ये लाइन आउट है 110 mm, तो 110 यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 मीटर से, जैसे कि ये लाइन देखना है कि आपको कितने दूरी पर आप कट लगा रहे हैं। यहाँ पर ये फ्लैंज के आउटर से कट का दूरी 3 मीटर लिया गया है, तो यहाँ पर 3 मीटर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिग्री आ रहा है 2.0 डिग्री आ रहा है, यानी कि 2 डिग्री आ रहा है। ये जो लाइन घूमेगा यहाँ से 2 डिग्री इधर की तरफ घूमेगा, देख सकते हैं यहाँ से 2 डिग्री इधर घूमेगा, तो ये लाइन इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीका से आपको ये डिग्री निकाल लेना है पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 डिग्री हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से चेंज कर लेना और इसमें टाइप करना है 10 और यहाँ पे टाइप करना है 1 डिग्री। 2 डिग्री जो आया हुआ है उसे 2 से डिवाइड कर लेना है, जितना डिग्री आएगा उसे डिवाइड कर लेना है। तो हमारा 2 डिग्री आया है तो उसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 1 डिग्री हो गया, और ब्रैकेट लगा लेंगे और इनटू, और यहाँ पर पाइप का ओडी डालेंगे। ये जो है 8 इंच का पाइप है, 219 mm इसका ओडी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.8 mm आ गया है, ये जो कटबैक है, ये 2 डिग्री आया था इसलिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि 1 डिग्री इधर कटेगा यहाँ से सेंटर से और 1 डिग्री इधर कटेगा। तो 1 डिग्री का 3.8 mm इधर कटबैक आ गया और ये सेंटर से 3.8 mm इधर का कटबैक आ गया। तो इस तरीके से आप पहले एक राउंड मार्किंग कर लेंगे पाइप पर, और राउंड मार्किंग करने के बाद आपको वहाँ से 3.8 mm इधर एक और राउंड मार्किंग कर लेना है, और 3.8 mm इधर भी एक राउंड मार्किंग कर लेना। 3-3 mm भी करेंगे, 8 जो है पॉइंट छोड़ देंगे तो भी चलेगा। 3-3 mm दोनों साइड कटिंग कर लीजिए, या फिर ग्राइंडिंग भी मार सकते हैं, थोड़ा सा दबा देना है भी मारने के बाद 3 mm दोनों साइड, ये फेस में दोनों साइड दबा देना है 3-3 mm, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये 2 डिग्री में ये लाइन घूम जाएगा और इस तरीके से इसमें मिल जाएगा। मिलाते समय, जॉइंट मिलाते समय आपको ये सब बोल्टिंग कर लेना है फ्लैंज पहले से, ताकि आउट ना हो तो सही रहेगा आपका। जब सब कुछ आपका सबलेबल है, यहाँ पर डमी पीस है, इसको बोल्टिंग कर देना है, जितना बोल्ट है सब लगा देना है, गैस्केट वगैरह भी लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पर टाका मारकर वेल्डिंग कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 कट में जो फार्मूला मैं बताया हूँ उसका आप कैसे कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है, जो सामने वाला जो लाइन है बिल्कुल सीधा आ रहा है, और ये जो लाइन है थोड़ा सा डिग्री में जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पर सीधा मिलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सीधा वाला जो लाइन है उसमें सेंटर से हम एक लाइन डोरी खींचेंगे, सेंटर से लाइन डोरी ये खींचेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर आकर के इस पाइप में मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो आदमी जो खड़ा है जहाँ पर हाथ रखा हुआ है वहीं पर आकर के इसका सेंटर मिल रहा है। जैसे आप एक लाइन डोरी खींचेंगे इस पाइप के बीचों बीच सेंटर से इधर तक, तो देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर आकर मिल रहा है, तो वहाँ पर हम एक मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद ये फ्लैंज से और ये जो पॉइंट यहाँ पर मारे हैं उसको हम चेक करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, इस फ्लैंज से वहाँ तक हम चेक करेंगे कि ये कितना दूरी है, तो हमें दूरी मिल जाएगा। तो दूरी कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, दूरी लिया गया है 5 मीटर 300 की दूरी वहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर ये लाइन का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के सेंटर से ये लाइन जो खींचा गया है, यहाँ पॉइंट पर 5 मीटर 300 दूरी मिल रहा है यहाँ पॉइंट पर। अब वहाँ से आपको देखना है कि दोनों जो 2 कट में अगर आपको लगाना है, तो अब आपको ये देखना है कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट का दूरी कितना रखना है। अब 400 500 600 जितना चाहे आप उतना दूरी रख सकते हैं एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट का। तो इस सेंटर से जैसे मान लीजिए कि 600 का दूरी रख रहे हैं, तो 300 पीछे एक मार्किंग करेंगे राउंड मार्किंग, और 300 आगे 300 आगे एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीका से ये 5 मीटर 300 सेंटर हो गया, और ये 5 मीटर पर एक कट लगेगा, और एक 5 मीटर 600 पर कट लगेगा। सेंटर हमारा यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप एक कट में अगर मार्किंग करते हैं,
तो ये वाले सेंटर पर जो बीचों बीच 5 मीटर 300 पर जो सेंटर लगा है यहाँ पर कट लगता। अगर आप दो कट में लगा रहे हैं तो इस तरीका से दूरी के हिसाब से, जॉइंट की दूरी के हिसाब से आधा आधा दोनों तरफ इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको मार्किंग कर लेना है जैसे कि इस पाइप में किया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दो मार्किंग किया गया है, यानी कि ये सेंटर में आकर के 5 मीटर 300 मिल रहा है और 300 इधर और यहाँ से 300 आगे में एक मार्किंग किया गया है। तो इस तरीका से आप राउंड मार्किंग पहले कर लेंगे और राउंड मार्किंग करने के बाद फिर से आप इसमें कटबैक भी मार्किंग कर सकते हैं कि हमारा कितना कितना इसमें कटिंग करना है। तो अब हम कटबैक का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मीटर 300 सेंटर डायमेंशन हो गया और इसका जो आउट है फ्लैंच, जो आउट है ये फ्लैंच के सेंटर से, ये फ्लैंच का जो दूरी है हम चेक करेंगे टेप से कितना दूरी आ रहा है, तो ये 750 mm आउट है, 750 mm ये आउट है। देख सकते हैं ये फ्लैंच के सेंटर से ये फ्लैंच का जो दूरी है 750 mm दूरी लिख दिया यहाँ पर। 5 मीटर 300 के दूरी पर यहाँ पर सेंटर मिला है डिग्री का। तो अब इसको हम कैलकुलेशन सेम वैसा ही करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे टेन इनवर्स और यहाँ पर टाइप करेंगे 750 और डिवाइड 5 मीटर 300। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री जो आ रहा है 8.0 डिग्री आ रहा है, 8.0 यानी कि 8 डिग्री, इसको मानिए 8 डिग्री में ये लाइन यहाँ से इस तरफ घूमेगा, यहाँ से 8 डिग्री में घूमेगा। 8 डिग्री को अब क्या करना है कि हमें दो कट में यहाँ पर मार्किंग करना है, तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 4 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी 4 डिग्री का आपको माइटर मारना है और यहाँ भी 4 डिग्री का माइटर मारना है। अब क्या करना है कि 4 डिग्री को जो आया हुआ है इसे भी हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये पाइप में और ये पाइप में दोनों में कटिंग करना है, तो ये 2 डिग्री इधर और 2 डिग्री इधर ये माइटर इसमें कटेगा, यहाँ भी 2-2 डिग्री माइटर कटेगा दोनों तरफ। तो इसका हम निकाल लेते हैं इस तरीका से, हम जाएंगे टाइप करेंगे टेन कैलकुलेटर में और यहाँ पर टाइप करेंगे 2 डिग्री और ब्रैकेट और इनटू 219 पाइप का ओडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7.6 mm आ गया है, 7.6 यानी कि 7 mm यहाँ पर आपको कटबैक मारना है। ये जो बीच वाला जो रेड वाला जो लाइन है बिल्कुल सीधा लाइन रहेगा और उसके बगल में 7 mm का एक और मार्किंग करके एक और राउंड मार्किंग कर देना है दोनों साइड में, इस सेंटर से इस तरफ और ये सेंटर से इस तरफ, सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है, राउंड मार्किंग कर लेना है इस तरीका से जैसे ये पाइप में किया गया है। देख सकते हैं ये राउंड मार्किंग करने के बाद 7 mm इस तरफ और 7 mm उस तरफ पाइप के साइड में मार्किंग करना है और टॉप में 3.5 mm इधर और 3.5 mm उधर और बॉटम में भी 3.5 mm इधर और उधर और इधर में बिल्कुल कॉर्नर पे सेंटर से रहेगा और इसमें राउंड मार्किंग फिर से कर देना है, यानी कि 7-7 mm कटबैक दोनों जगह लगा लेना है जैसे ये फुटेज में, जैसे ये डिजाइन दिखाया गया है। देख सकते हैं ये साइड है, ये टॉप व्यू हो गया, यहाँ से आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ये यहाँ पर टॉप में हम 3.5 mm और 3.5 mm मार्किंग करेंगे और साइड में 7-7 mm और नीचे बॉटम में 3.5 mm, इधर भी सेम वैसे ही रहेगा। और इसको करने के बाद आप कटिंग करिए या फिर आप सीधा कटिंग करिए और बाद में 7-7 mm दबाइए तो भी चलेगा, जैसे आपको करना है कर सकते हैं। और उसके बाद इस लाइन को जब आप इसको घुमा करके इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल ये आसानी से आकर के इसमें मिल जाएगा, 8 डिग्री में ये लाइन सेंटर से घूमेगा। ये जो लाइन है माइटर कटिंग होने के बाद किस तरीका से दिखेगा आपको ये भी फुटेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो कट लगा करके इसको घुमा दिया गया है और यहाँ पर ये जॉइंट मिल गया है, देख सकते हैं यहाँ पर दो जॉइंट किया गया है और यहाँ पर ये जॉइंट मिल गया है। तो इसी तरीका से आपको कट लगा करके घुमा लेना है, यही इसका फॉर्मूला है और ये तरीका है करने का। ये आपको ध्यान रखना है कि पाइप के सेंटर से लाइन डोरी खींच करके यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमें कितना ये दूरी मिल रहा है, जब हम यह पॉइंट लगाएंगे तो ये वाले पाइप के एंड से यहाँ पर चेक कर लेंगे कितना दूरी है, तो 5 मीटर 300 दूरी आया और ये फ्लैंच के सेंटर से ये फ्लैंच का दूरी 750 है, तो इसके हिसाब से मैं ये आपको कैलकुलेशन करके ये दिखा दिया हूँ, सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।